एक हमें लैपटॉप असेंबल कराना है। मैं आनंद कंप्यूटर्स को काफी टाइम से जानता हूँ, तो लेट्स सी अंदर चल के देखते हैं कि आज क्या डील मिलती है। हेलो, और ये ख्याल है आपके? हाँ, लैपटॉप चाहिए। आप अपना क्या चाहिए भैया आपको? मेरे को बेटी के लिए डेस्कटॉप लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप बनवाना है आपको? पूरा बिल्ड असेंबल करवाना है पूरा। ठीक है, डेस्कटॉप बिल्ड कराना है। तो एक तो बता दो आपका बजट क्या है। बजट मेरा करीब 60,000 रुपए का बजट है, 60 के आसपास। ठीक है, अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंटेल में जाना चाहेंगे, एएमडी राइजन में अपना बिल्ड करवाना चाहेंगे। नहीं, मैं इंटेल में जाना चाहूंगा। पसंद है, ठीक है। तो इंटेल में इस रेंज में अगर आप बनाते तो i5 ले लेते हैं। आपका i5 है? मेरा i5। तो अपन ना डिस्कस करते जाएंगे, आप कुछ बताते जाना, कुछ आपको ना पता हो तो मुझसे पूछ लेना, अपन डिस्कस करके कर लेंगे। तो मैं i5 में आपको 12 जनरेशन लगा देता हूँ। 12 जनरेशन अपने आप में एक सफिशिएंट प्रोसेसर होता है। आप जो बेटी आप जिसके लिए ले रहे हो, किस क्लास में? वैसे अभी तो वो फोर्थ में है। फोर्थ में, ठीक है, ठीक है। बेसिक पर्पस से है, बट i5 चाहिए मेरे को। तो i5 में 12 जनरेशन अपन लगा दे रहे हैं। एक मदरबोर्ड लगा रहे हैं। मदरबोर्ड में दो ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल मदरबोर्ड या वाईफाई वगैरह। मेरे को विद वाईफाई चाहिए क्योंकि घर पे वाईफाई है। तो ठीक है, ठीक है। तो वाईफाई इनबिल्ट वाला लेते हैं। MSI का आता है, 610 वाईफाई मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, रैम अपना कितना इंटरेस्ट है आपको, कितना मन है? 16 GB एटलीस्ट मैं चाहता हूँ। 16 GB रैम लगा देते हैं। SSD का थोड़ा आपकी चॉइस क्या, कितने जीबी लगाना चाहेंगे? मैं मिनिमम 500 GB। ठीक है, और एक इसमें भी मैं फास्ट वाली चाह रहा हूँ, जो फास्ट, जो भी जेन 4 आई है वो लगा देते हैं। थोड़ा सा अंतर है, जेन 4 में क्या होता है, नॉर्मल स्पीड के मुकाबले 10% से 15% डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है। ठीक है, हो गया। अब आता है ग्राफिक्स कार्ड। ये जो प्रोसेसर होते हैं, इसको ग्राफिक्स कार्ड मस्ट होता है। एक ऑप्शन है कि आप 2-3 हज़ार रुपए का सिंपल ग्राफिक्स कार्ड ले लो काम चलाने को, और एक ऑप्शन है कि आपको थोड़ा बड़े काम, हैवी काम नहीं। अभी सच इतना हैवी काम नहीं है उसकी, सिंपल 20 के बीच की रेंज में लगा दीजिए। तो अपन RX का 550 लगाते हैं, बहुत पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड है। और एक ले लेते हैं कैबिनेट। कैबिनेट अभी पसंद करा दूंगा आपको। और एक इसके लिए एक SMPS नॉर्मल 450 वाट सफिशियंट है, क्योंकि हैवी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, प्रोसेसर नॉर्मल नो चेक। ये सिस्टम आपका पूरा चेक कर लेते हैं। तो भैया 12 जनरेशन का जो प्रोसेसर आएगा वो पड़ेगा आपको 11,900 रुपए का। 5G वाला मॉडल हम लगा रहे हैं, MSI का 600। अभी मैं आपको सारा सामान दिखाने लग जाता हूँ। तो ये पड़ता है आपको 8,600 का। 16 GB की रैम में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो नॉर्मल रैम जो हम देखते हैं आजकल, सिंपल वाली, एक आजकल आती है मोल्डेड रैम हीट सिंक के साथ आती है गेमिंग रैम। उनकी तो स्पीड ज्यादा होती है, दूसरी उसकी वारंटी बहुत होती है, तो थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं 16 GB का आपको XPG का स्लॉट लगा देता हूँ, 3150 रुपए का। SSD 500 GB जेन 4 कह रहे हैं, तो WD का ब्लू आता है, जेन 4 580 करके NVMe जेन 4 लगा दे, वो पड़ता है 3950 का। और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 8.5 की रेंज में होता है। कैबिनेट की स्टार्टिंग आपकी वैसे 2350 से हो जाती है, 2500-3000 वो आपकी चॉइस है, 3000-4000 से बढ़ा सकते हो। और SMPS NT स्पोर्ट्स के अपन लगाते हैं आपकी 1850 रुपए की। तो एक बार टोटल कर लेते हैं कि क्या ये LED मेरे को चाहिए क्योंकि घर पे स्पेस, यहाँ पे मेरा टीवी माउंट है वॉल पे, तो उसके नीचे फिर मेरे को थोड़ा स्पेस कम है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ अल्ट्रा वाइड जो LG की सीरीज आती है। तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो LG में अल्ट्रा वाइड अपन 29 तो LG का अल्ट्रा वाइड LED देख लेते हैं। ये पड़ता है आपको 17,900 रुपए। एक बार टोटल कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो बजट है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो कुछ ऊपर नीचे करेंगे, और अगर पैसे बचते हैं तो कुछ चीजों को अपग्रेड कर लेंगे। ₹58,200। तो भैया जी, पूरा सिस्टम आपका बिल्कुल बजट के अंदर ही आ गया है। एक बार मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये जो सामान जो मैंने बताया आपको, एक बार दिखाता जाता हूँ। तो ये लगा रहे हैं हम आपका i5 की 12 जनरेशन, ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये आप देख के जाओ। और मदरबोर्ड वाईफाई वाला लगा दे रहे हैं अपन, वाईफाई वाला मदरबोर्ड लगा दे रहे हैं। एक 16 GB रैम, 16 GB, और एक 500 NVMe वो भी दे देता हूँ। और आपका ग्राफिक्स कार्ड है 550 और 450 वाट का SMPS। तो ये भैया सामान है, और एक बार आप रेट देख लो, समझ लो, अगर आपको लगता है ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो अपन अभी सिस्टम असेंबल करके आपको फ्री कर देते हैं। रेट तो ठीक है, ठीक है। चलो भैया, ठीक है भैया, काफी टाइम से जानते हैं तो रेट की तो कोई टेंशन नहीं। ओके भैया, थोड़ा आप हमें जाते, थोड़ा अपना परिचय दे दो, क्या नाम, क्या आप कहाँ से आए हो, और आपने जो सिस्टम का रेट कहाँ से देख रहे थे, मतलब एक दो दिन से सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उस हिसाब से आपको रेट अच्छा मिला थोड़ा। मेरा नाम अनुराग है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, बट मैं डेली जॉब करता हूँ, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा आगरा से रहती है चीजें लेने की। संजय पैलेस इस मार्केट को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, काफी मार्केट देखा हुआ मेरा। जो आनंद कंप्यूटर्स है प्रीवियसली ऑल्सो, की मैंने उनको बहुत परचेज किया है प्रोडक्ट, प्रिंटर है, कभी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो तो मेरे को प्राइस के मुकाबले, मतलब यहाँ के मुकाबले कहीं का प्राइस मेरे को अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं भैया के पास आया, कहीं टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जब रेट एक जगह अच्छी मिलती है, भरोसा है, सब कुछ है, तो टेंशन की बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है, सिस्टम को जल्दी से तुरंत असेंबल करा लेते हैं।
एक बार सामान चेक कर लिया, सारा सामान रख दिया है भैया का, जितनी की भैया मैं खुद ही अनबॉक्सिंग करूंगा, तो सारी चीज भैया से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। मैं हाथों से ही करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी टफ लग रही है मेरे को। कोई बात नहीं, प्रेसो सर है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, यहाँ से काट लेते हैं। मुझे ये देखिए बर्फी का पीस निकला, ये शेहक डेस्कटॉप का दिमाग, जो बचपन भैया कह रहे हैं डेस्कटॉप का दिमाग है, ये बचपन में पढ़े थे हमने, सारी चीजें इसमें होती है और इसके साथ एक फैन आता है, तो अपना स्टॉक कूलर ही यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका एडिटिंग वगैरह का काम नहीं है, बेसिक काम है। तो ये प्रोसेसर अनबॉक्स हो गया है, इसके बाद आता है मदरबोर्ड का नंबर, भी मदरबोर्ड अनबॉक्स करिए। ये मदरबोर्ड का व्यू है, मदरबोर्ड देख लेते हैं। मदरबोर्ड में सारे स्लॉट हैं, इसमें HDMI स्लॉट है, DP स्लॉट है, VGA स्लॉट है, तीन डिस्प्ले निकाल सकते हैं। इसके अलावा पुराने वाले PS2 का स्लॉट है, USB 2.0 के चार स्लॉट है, 3.0 के दो स्लॉट है, साउंड का पोर्ट है, ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, एक्स्ट्रा मिनी PCIe स्लॉट भी लगा सकते हैं, NVMe का स्लॉट है और आपका चार SATA स्लॉट है और रैम के दो स्लॉट है, वाईफाई USB 3.0 का फ्रंट का स्लॉट है, इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट आता है, जो वाईफाई का सिंबल है, सिंपल मदरबोर्ड, 3 साल वारंटी में। इसके बाद अनबॉक्स करते हैं हम आपका रैम XPG। वाह क्या रैम है, ये अनबॉक्स कर दिया रैम, ये है D30 XPG, ये आपका बेस्ट रैम में आता है, दो कंपनी ब्रांड अच्छे बनाते हैं, कोर्सर बनाता है, XPG बनाता है, ADATA का XPG होता है, 3200 MHz का रैम होता है, भैया भी 16 GB लगा रहे हैं, इन फ्यूचर इनका जो मन है वो 32 GB करने का, तो 16 16 करके 32 GB कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं ग्राफिक्स कार्ड, ये पसंद किया है, इस रेंज में जो इनका बजट है इसमें आया RX का 550 4GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड है, बेसिक रेंज के लिए थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं, बेसिकली नो बच्चे के लिए चाहिए सिस्टम और इनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह करना है, ऑफिस का थोड़ा काम करना है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड खोल रहे हैं। साथ में आता है एक मैनुअल, मतलब यूजर गाइड वगैरह आता है, ये आपका थैंक यू का नोट है कि आपने बढ़िया अच्छा किया, ASUS का ग्राफिक्स कार्ड यूज किया, ये ASUS का RX 550 4GB का DDR5 ग्राफिक्स कार्ड ये लगा रहे हैं अपन। इसमें स्लॉट है, एक है आपका DP का स्लॉट, एक HDMI का स्लॉट है और एक DVI का स्लॉट है, तीन आउटपुट निकाल सकते हैं इसमें, एक SSD है, SN580 चूज करिए, 4000 MBPS वाली है, Gen 4 SSD है, कम प्राइस में अच्छा ऑप्शन है, इससे ऊपर अगर जाते हैं तो इसका ब्लैक एडिशन आता है, ब्लैक एडिशन में भी दो मॉडल आते हैं, 5180 MBPS वाली वो आती है लगभग 6600 रुपए की, और फिर आती है 7000 MBPS वाली वो आती है 9000 के आसपास होती है। तो SSD हमने चूज करा है WD का ब्लू, Gen 4 SN580 ये खोल लिया है, और इसके अलावा लास्ट बचा है एक SMPS, सिंपल एसेंशियल सीरीज की SMPS यूज करिए। सारी चीजों को खुद खोलने का बड़ा शौक था, तो भाई ने पहले ही बोल दिया था हमारी डिमांड है कि सारी चीज हम ही खोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं खोलोगे, तो ये SMPS पसंद करिए, सिंपल VH450L। तो ये सारा सामान हमने खोल लिया है, अभी कैबिनेट भी दिखा देता हूँ, कैबिनेट जो पसंद करी है वो पसंद करी है जेब्रोन इसकी एगोन, ये जो SMPS कैबिनेट है सिंपल, एक RGB का इसमें पैटर्न चलता है, लुक अच्छा है सिंपल, ये लाइट इसका चेंज होता है, और फ्रंट पे देखते हैं ऊपर USB पोर्ट और 3.0 के भी पोर्ट है, ये नेट लगा हुआ है, साइड में ग्लास है USB 3.0 और एक एक्स्ट्रा फैन पीछे जो लगा हुआ है वो RGB फैन लगा हुआ है। तो सारा सामान अभी इसमें असेंबल करते हैं, देखते हैं सिस्टम कैसा बनता है, तो हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं डेस्कटॉप पूरा रेडी हो चुका है, डेस्कटॉप का इस तरह से लुक बन के आया है, भैया को थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि आज लड़का नहीं था, तो भैया के 2 घंटे खराब कर दिए। तो ये डेस्कटॉप का पूरा सामान हमने दिखा दिया, पूरा चेक कर लिया, और ये भैया ने जो LED पसंद करी है, एक साथ में लिया भैया ने वायरलेस HP के कीबोर्ड माउस की किट, और ये लिया है 29 इंच का LG का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, 2K डिस्प्ले में होता है, HDR है, ये पूरा सामान इनका भैया का 60,000 रुपए में पड़ा, और पूरा बिल से दिया, पूरा 3 साल की वारंटी दी। तो भैया जाते जाते 2 शब्द कहना चाहोगे, वो किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसा लगा आपको? और अब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट थक गए आज, थक गए, टाइम लग गया, थोड़ा ज्यादा लगा, अदरवाइज सारी चीजें बढ़िया है, आई एम हैप्पी। कोई नहीं, अंत वाला तो सब भला। इस तरह से आपको कोई भी डेस्कटॉप चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई आपको पूछना हो, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका कमेंट का आंसर देंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, और हम लोगों ने अब कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दी ऑल ओवर इंडिया, तो आप ऑर्डर दे सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, थैंक यू सो मच। तो भैया को डिलीवरी करते हैं, थैंक यू भैया।